हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की उसके जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ईयर साल 2012 में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें फाइव पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को 67 सेवन परसेंट को ले जाने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें मूवी के लीडल पर वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये एक मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाई किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोडिशियल प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को डी राइट्स की बात करें तो इसमें को ओ डी टी को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफिलिक्स पर जाके आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इल्लीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी भी इलीगल होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हज़ार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें को हाइवनी पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को 67 सेवन परसेंट गुलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही वेहतन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्टोरीट ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रेन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियल प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को ओ टी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाके आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इल्लीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इलीगल होती है से डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो एक को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें को हाइवनी पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट गुलीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में, में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही वेहतन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रेंड ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीट ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें की अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल्ड पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशल फीलियर बहुत पहले ही गोल्ड पर हो चुकी है और इसमें को ओ टी राइट्स की बात करें तो इसमें को ओ डी टी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इलीगल होती है से डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें 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 को को पर की की रेटिंग भी भी मिल चुकी है है ने पसंद भी किया ऑफिस की की पे, पे एक वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रेंड ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो और अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल्ड पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियल प्रीमियर बहुत पहले स्टार गोल्ड पर हो चुकी है और इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इलीगल होती है वो से डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्दत मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पाँ पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसके को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये एक मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दू स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें कि टेलीविशन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियन प्रीमियर बहुत पहले एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को नेटफिलिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को डी पर देखना चाहते हो तो नेटफलिक्स पर जाके आप इसमें मूवी को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है उससे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आगे कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डायट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसके को कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्री ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिफिफियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियन प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें ओ राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाके आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर आप मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इल्लील होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आगे कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और शिद्दत मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूज के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट द ईयर साल दो हज़ार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें को हमने पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट गुलीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक सौ दस करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडल पर वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रौनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दू स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टर गोल्ड पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियन फीवर बहुत पहले एस्टर गोल्ड पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइट्स की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलिगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वहां से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है और इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बीलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिफिशियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो और अनऑफिियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें कि टेलीविशन राइड्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें कोऑडिशन प्रीमियर बहुत पहले एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइट्स को नेटफिलिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस में को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसी इलिगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वहां से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है और इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहे तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूव के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

शिद्द मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते होते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिफिशियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो और अनऑफिियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविशन राइड्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल्ड पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें कोडिशन फीवर बहुत पहले एस्टर गोल्ड पर हो चुकी है और इसमें को डी टी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडिटी रेड्स को नेटफिलिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाके आप इस मूवी को, तो तो को, को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलिगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है और इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहे तो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर पाँ देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

शिद्द मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बीलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिफिियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो और अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविशन राइड्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियन प्रीमियर बहुत पहले एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें ओ डी टी राइड्स को नेटफिलिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इन लीगल साइट है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है वो इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो एक को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की जो भी कन्फर्म अपडेट कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट क्या था करण जौहर ने इसमें को कोवनी पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को लेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पर वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित रॉय इसके अलावा इस बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूबूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को ए स्टार पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोडिशल प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टार पर हो चुकी है और इसमें को ओडी टी की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है वो डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते तो हो वरुण धवन और सिद्धत इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट क्या था करण जौहर ने इसमें को एवनिपर पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को लीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें इसकी लीडर पर वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को ए स्टार पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोडिशियल प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टार पर हो चुकी है और इसमें को डी राइट्स की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इनलीगल होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्धत इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हज़ार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें कोवी पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को लेजर ने पसंद भी किया इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक ही मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रनिज रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर ईयरू कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोडिशियल फीलियर बहुत पहले ही एस्टार पर हो चुकी है और इसमें को डी राइट्स की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख, देख तो को, को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन साइट्स साइट है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इनलीगल होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर पाँ देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हज़ार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट क्या था करण जौहर ने इसमें को आवनी पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को लीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पर वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये एक मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाई किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोडिशियल प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को डी राइट्स की बात करें तो इसमें को ओ डी टी को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफिलिक्स पर जाके आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इल्लीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इलीगल होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हज़ार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें को हाइवनी पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को 67 सेवन परसेंट गुलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्टोरीट ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीट ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई स्टार गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियल प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओ डी टी राइट्स की बात करें तो इसमें को ओ डी टी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाके आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इल्लीगल साइट्स है जहाँ पर आप मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इलीगल होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो एक को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें को हाइवनी फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट गुलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में, में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही वेहतन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रेंड ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीट ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें की अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को स्टार गोल्ड पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियल फीवर बहुत पहले स्टार गोल्ड पर हो चुकी है और इसमें को ओ डी टी राइट्स की बात करें तो इसमें को ओ डी टी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफिल्क्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफिलिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इलीगल होती है से डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्दत मल्होत्रा का डायट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूव के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बीलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविशन राइड्स थे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर इस गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें कोडिशन फीवर बहुत पहले एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को डी टी की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइट्स को नेटफिलिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ डी पर देखना चाहते हो तो नेटफिलिक्स पर जाकर आप इसमें को देख, देख तो को, को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है और इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों से शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डायर फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर पाँ देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये एक मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दू स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें कि टेलीविशन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियन प्रीमियर बहुत पहले एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को नेटफिलिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को डी पर देखना चाहते हो तो नेटफलिक्स पर जाके आप इसमें मूवी को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है उससे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डायट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिफिफियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियन प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें ओ राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाके आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वहां से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है वो इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आगे कॉमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी है वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूवी के जो भी कंफर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते होते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिफिियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता तो तो है तो जल्दी तो जल से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें कि टेलीविशन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन फ्यूमर बहुत पहले इस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वहां से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है और इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बीलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिफिशियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो और अनऑफिियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें कि टेलीविशन रेड्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें कोऑडिशन प्रीमियर बहुत पहले एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस में को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसी इलिगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है और इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके मूवी को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट क्या था करण जौहर ने इसमें को आवनी पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें कुछ सिक्सटी सेवन परसेंट को ले जाने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें मूवी की लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट शिद्दत मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यू पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टार गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन फीवर बहुत पहले स्टार गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओ डी टी की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाके आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हो वो सभी इनलीगल होती है वो से डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टीवी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आगे कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट क्या था करण जौहर ने इसमें को एवन्यू पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को ले पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पर वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रौनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टार गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन प्रीमियर बहुत पहले स्टार गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओ डी टी की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट्स है जहाँ पर आप मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इनलीगल होती है वो उससे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आगे कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडें ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो एक को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की जो भी कन्फर्म अपडेट कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें को कोवनी पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को लेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें इसकी लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित रॉय इसके अलावा इस बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूबूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को ए स्टार पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोडिशल प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टार पर हो चुकी है और इसमें को ओ डी टी की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस इसमें को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलीगल साइट्स से जहाँ पर यह मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इ होती है उससे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डहाटर फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर पा देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट इयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें को फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्स परसेंट को ले जाने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और बॉक्स हाउस एक सौ करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक मूवी साबित हुई थी इसमें इसीडल पर वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रौनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूबूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को ए स्टार पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोडिशियल प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टार पर हो चुकी है और इसमें को डी राइट्स की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इनलीगल होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आगे कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण तो धवन और सिद्धत इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हज़ार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें कोवनी ऊपर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को लेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें मू की लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रनिज रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली आप आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोऑडिशियल फीवर बहुत पहले ही एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओ डी टी राइट्स की बात करें तो इसमें को ओ डी टी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ टी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख, देख तो को, को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन साइट्स साइट है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वैसे डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इनलीगल होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आगे कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट क्या था करण जौहर ने इसमें को आइवनी पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को लीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये एक मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाई किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोडिशियल प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को डी राइट्स की बात करें तो इसमें को ओ डी टी को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफिलिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलीगल साइट्स है जहां पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इलीगल होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो एक को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था करान जौहर ने इसमें को हमने फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट गुलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक सौ दस करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडल पर वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रौनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्टोरी ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन प्रीमियर बहुत पहले इस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है और इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्दत मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो एक को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते हो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो और अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें कि ऑलिशन प्रीमियर बहुत पहले एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को नेटफिलिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफिलिक्स पर जाकर आप इसमें मूवी को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है और इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्दत मल्होत्रा का डायट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूवी के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और यह एक मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते हो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें कि टेलीविशन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें कोऑडिशन प्रीमियर बहुत पहले एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को डी राइट्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइट्स को नेटफिलिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ डी पर देखना चाहते हो तो नेटफलिक्स पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है और इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों से शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्दत मल्होत्रा का डायर फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर पाँ देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें कि टेलीविशन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियन फीवर बहुत पहले एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को नेटफिलिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को डी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाके आप इस में को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इललीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वैसे डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ सभी इलिगल होती है वो डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कॉमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डायट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था जोहर ने इस को इसम पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवन भी किया है इसमें की की बजट बात करें तो वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रॉय इसके बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और यह मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्टोरेट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रेंड ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें कि टेलीविशन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियन प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें ओ राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाके आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वहाँ से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है उससे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आगे कॉमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो एक को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूवी के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूबूब पर नहीं देख सकते होते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिफिियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें तो कि टेलीविशन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन फ्यूमर बहुत पहले इस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वहां से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है और इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो इसका पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहे तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था इसमें को, इस को ले इस की की करोड़ थी और ऑफिस पे दस करोड़ की कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पे एक मूवी साबित हुई थी इसमें लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित रॉय इसके अलावा इस बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट शिद्दत मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियलियलियलियलियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो अनऑफिशियली आप आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टर गोल्ड पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन प्रीमियर बहुत पहले एस्टर गोल्ड पर हो चुकी है और इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख, तो देख तो इस को, इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर ये मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हो वो सभी इन होती है वो उससे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टीवी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण तो धवन और सिद्धत इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके मूवी को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट क्या था करण जौहर ने इसमें को आवनी पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को ले जाने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें मूवी की लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट शिद्दत मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशल यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यू पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टार गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन फीवर बहुत पहले ही स्टार पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइट्स की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हो वो सभी इनलीगल होती है वो डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टीवी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आगे कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर पाँ देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट क्या था करण जौहर ने इसमें को एवन्यू पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को ले पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पर वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रौनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशल यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली आप आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूबू पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टार गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन फीमर बहुत पहले स्टार गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओ डी टी की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस इसमें को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर यह मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इलीगल होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी दे को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ़ द इयर साल दो में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें को फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को ने पसंद भी किया इसमें की बजट की की बात करें तो इसमें बजट चालीस करोड़ थी और बॉक्स हाउस एक सौ करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें इसीडल पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रौनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूबूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यू पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को ए स्टार पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोडिशल प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टार पर हो चुकी है और इसमें को ओडी टी की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ सभी इन होती है वो डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इसमें हम बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट क्या था करण जौहर ने इसमें को एवन्यू पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को लीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें इसकी लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को ए स्टार पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोडिशियल प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टार पर हो चुकी है और इसमें को डी राइट्स की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इनलीगल होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्धत इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हज़ार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें कोवनी ऊपर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को लेजर ने पसंद भी किया इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें मूवी की लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रनिज रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्टोरी ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्री ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो और अनऑफिशियली आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई इस्टर गोल्ड पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन प्रीमियर बहुत पहले स्टार गोल्ड पर हो चुकी है और इसमें ओ टी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओ टी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन साइट्स हैं जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है से डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी या ओ पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आगे कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टोरेंट ऑफ ईयर साल दो में रिलीज हुई हिंदी मूवी थी इसमें इस इस पसंद भी किया इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस एक सौ दस करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक मूवी साबित हुई थी इसमें लीडर पे वरुण धवन अलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीट ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन फीवर बहुत पहले इस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और यह मूवी अभी नेटफिल्क्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफिलिक्स पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलीगल साइट है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वहां से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो एक को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट क्या था करान जौहर ने इसमें को हमने फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट गुलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक सौ दस करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रौनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन प्रीमियर बहुत पहले इस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइड्स को नेटफिलिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफिलिक्स पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्दत मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो एक को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते हो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशलियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो और अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें कि ऑडिशन प्रीमियर बहुत पहले एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओड टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाके आप इसमें मूवी को, तो तो को, को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इन साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है और उससे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और शिद्दत मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट द ईयर साल 2012 में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें को हाइवनी पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को 67 सेवन परसेंट गुलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी जा से जाकर देख लेना और इसमें कि टेलीविशन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें कोऑडिशन प्रीमियर बहुत पहले एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें ओ डी टी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइट्स को नेटफिलिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफिलिक्स पर जाकर आप इसमें को देख, देख तो को, को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है और इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्दत मल्होत्रा का डायर फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर पाँ देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कंफर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें कि टेलीविशन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल्ड पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें कि ऑडिशियर बहुत पहले एस्टर गोल्ड पर हो चुकी है और इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को नेटफिलिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाके आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इललीगल साइट्स है पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इलिगल होती है उससे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते तो हो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डायट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्टोरेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रेंड ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूबूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो और अनऑफिशली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें कि टेलीविशन राइड्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन फीवर बहुत पहले इस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफिलिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वहां से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है वो से डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आगे कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहे तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टर गोल्ड पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन फीवर बहुत पहले एस्टर गोल्ड पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट है जहाँ पर ये मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इनलीगल होती है वो से डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टीवी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहे तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके मूवी को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था इसमें को पर आउट और 10 की ले करोड़ बॉक्स पे एक करोड़ की कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पे एक मूवी साबित हुई थी लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट शिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दू स्ट्री ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियलियलियलियलियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टर गोल्ड पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोऑडिशन प्रीमियर बहुत पहले एस्टर गोल्ड पर हो चुकी है और इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख, देख तो इस को, इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट्स है जहाँ पर ये मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हो वो सभी इन होती है वो डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते तो हो वरुण धवन और सिद्धत इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट क्या था करण जौहर ने इसमें को आवनी पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को ले जाने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें मूवी की लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रौनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट शिद्दत मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इस मूवी को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशलियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली आप आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टार गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियल फीमर बहुत पहले स्टार गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइट्स की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हो वो सभी इनलीगल होती है वो से डाउनलोड वगैरह करके मत की अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टीवी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आगे कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर पाँ देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट मूवी को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट क्या था करण जौहर ने इसमें को एवन्यू पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को ले पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पर वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रौनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट शिद्दत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशल यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यू पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टार गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन फीमर बहुत पहले स्टार गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओ डी टी की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इनलीगल होती है वो से डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आगे कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडें ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें को कोवनी पर फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट को ले पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें इसकी लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूबूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको वी तो तो मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूबू पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को ए स्टार पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोडिशल प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टार पर हो चुकी है और इसमें को ओडी टी की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है वो डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इसमें हम बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट क्या था करण जौहर ने इसमें फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को ने पसंद भी किया है इसमें की की बजट बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें इसकी लीडर पे वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी कब कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को ए स्टार पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को कोडिशियल प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टार पर हो चुकी है और इसमें को डी राइट्स की बात करें तो इसमें को डी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसी इल्लीगल साइट है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वैसे डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इनलीगल होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर को कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डहट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हज़ार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने इसमें को हाइवनी फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी सेवन परसेंट गुलीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पर एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पर वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रौनित द्रॉय इसके अलावा इस बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इस मूवी को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रेंड ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो और अनऑफिशियली आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियल फीवर बहुत पहले इस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइट्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाके आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इल्लीगल साइट है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वहां से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है वो से डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर पाँ देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था करान जौहर ने इसमें को हाइवनी पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को 67 सेवन परसेंट गुलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें की बजट चालीस करोड़ थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ की कलेक्शन कर थी बॉक्स ऑफिस पे एक हीट मूवी साबित हुई थी इसमें की लीडर पर वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि कपूर रौनित रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रेंड ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन फीवर बहुत पहले इस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और यह मूवी अभी नेटफिल्क्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफिलिक्स पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वहां से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्टोरी ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन प्रीमियर बहुत पहले इस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ टी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इसमें मूवी को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर आप मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है उससे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो तो वरुण धवन और सिद्दत मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो एक को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इस मूवी को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते हो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशलियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें की टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें कोऑडिशन प्रीमियर बहुत पहले एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाके आप इसमें मूवी को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलीगल साइट्स है जहाँ पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है और इस डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्धत मल्होत्रा का डहट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके मूवी को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हज़ार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इस मूवी को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते हो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो आप अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें कि टेलीविशन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें कोऑडिशन प्रीमियर बहुत पहले एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइट्स को नेटफिलिक्स ने बाई किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को, देख तो देख तो इस को, इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारी ऐसी इलिगल साइट्स है पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वैसे डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है वो डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को आकर कॉमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहते हो वरुण धवन और सिद्दत मल्होत्रा का डायर फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कंफर्म अपडेट इसके मूवी को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था जोहर ने इस को इसम पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल भी मिल चुकी है है इसमें को ने पसंद किया इस की बजट बजट की की बात करें तो इसमें कलेक्शन मल्होत्रा ऋषि कपूर रोनित्रॉय इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इस मूवी में वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और एक एक ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो ऑफिस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो आप अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें कि टेलीविशन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे एस्टर गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी पर देखना चाहते हो तो इसमें को एस्टर गोल्ड पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें कि ऑडिशियन फीवर बहुत पहले एस्टर गोल्ड पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडिटी राइड्स को नेटफिलिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाके आप इस को, देख देख तो इस को, इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इल्लीगल साइट्स है पर मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टीवी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहे तो वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के, के जो भी कन्फर्म अपडेट को कैसे और कहा पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

शिद्ध मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहा पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते होते लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली आप अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूबू पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी वी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई तो एस्टर गोल पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशियन प्रीमियर बहुत पहले ही एस्टर गोल पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को डी टी राइड्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ डी टी पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इन लीगल साइट्स है जहाँ पर ये मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इन होती है से डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखना चाहे तो वरुण धवन और सिद्दत मल्होत्रा का डहाट फैन हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे तो अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो इस वीडियो एक को एक लाइक करके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की के जो भी कन्फर्म अपडेट इसके और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल दो हजार बारह में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांस ड्रामा मूवी थी इसमें डायरेक्ट

सिद्धत मल्होत्रा का पहला मूवी था और ये मूवी एकदम हिट मूवी साबित हुई थी मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी बहुत ही अच्छी खासी ड्रामा रोमांस वाली मूवी थी ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसमें को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना अभी बात करते हैं स्ट्रीन ऑफ द ईयर मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे तो पहले बता दूँ स्ट्रीन ऑफ द ईयर एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड मूवी का अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं देख सकते तो लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अनऑफिशियली इस मूवी को अगर अपलोड करते हैं तो अगर आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाता है तो वापस से जाकर आप इसमें को देख सकते हो अनऑफिशियली अगर आपको मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर आती है वो तो कभी भी रिमूव हो सकती है तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर अनऑफिशियली मिलता है तो जल्दी से जाकर देख लेना और इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की जो टेलीविजन राइट्स थी उसे स्टार गोल्ड ने बाय किया है तो इसमें अगर आप टी पर देखना चाहते हो तो इसमें कोई एस्टर गोल्ड पर आप इसमें को देख सकते हो इसमें को ऑलिशन फीवर बहुत पहले एस्टर गोल्ड पर हो चुकी है और इसमें को ओडीटी राइड्स की बात करें तो इसमें को ओडीटी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बाय किया है और यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इसमें को ओ पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो बहुत सारे ऐसी इलिगल साइट्स है जहाँ पर ये मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी से डाउनलोड वगैरह करके आप देख सकते हो लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ वो सभी इलीगल होती है वैसे डाउनलोड वगैरह करके मत देखिए अगर आपको लीगली देखना है तो इसमें को टी वी यूट्यूब या ओ टी पर जाकर आप इसमें को देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को